प्रोग्राम जो शुरू किया था, ये भी आपके लाडले दुष्यंत चौटाला की सोच है। उसने कहा था कि माँ आप महिलाओं से मिलो, आप जब महिलाओं से मिलोगी तो महिलाएं आपसे मिलेंगी और महिलाएं जो है वो जागरूक होंगी। तो मुझे ये जब हमने शुरू की थी तो आप यकीन नहीं करोगे, पहली जब हमने मीटिंग ली थी तो उसमें सिर्फ 60 महिलाएं जो हैं वो हरी चुनरी की चौपाल की मीटिंग में आई थी। और पहली हरी चुनरी की चौपाल जो थी वो जागलान गांव में थी और हमारी मीटिंग में सिर्फ 300 महिलाएं आई थी। और उन 300 महिलाओं को देख के भी हम इतने खुश हुए थे कि बहुत महिलाएं आ गई। और शुरू में करते 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 आज ये महिलाओं की संख्या जो है 40वीं महिला जो है हरी चुनरी चौपाल, इसमें हजारों की संख्या में ये जो पहुंच गई। और 50वीं पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है मैं इसका नाम ही बदल दूंगी 51वीं में। आज मौजूदा सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप लोग भी इस चीज से, महिलाओं से कहूंगी मैं कि आप इस चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो कि मौजूदा सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो झूठे वादे 2014 में जब हमारे इलेक्शंस थे तो इन्होंने ना जाने कितनी ऐसी घोषणाएं की थी जो सिर्फ और सिर्फ झूठी साबित हुई है। उनमें महिलाओं से संबंधित बहुत योजनाएं थी इनकी, किसानों से संबंधित थी, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे काम थे जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देंगे, हम महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, हम बेटियों को बचाएंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे। पर आज के दिन मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई असुरक्षित है हमारे समाज में तो वो है हमारी महिला। आज के दिन अगर हम घरों से बाहर निकलते हैं तो कोई भी महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। इवन कि हम अगर हमारी गले में खड़े हो तो वहाँ भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कब कौन आ जाए और हमारी चेन हम छीन ले, हमें धक्का दे दे। तो आज अब जब हमारे दरवाजे के ऊपर सुरक्षित नहीं है तो आप ये सोचो कि जो हमारी बेटियाँ कॉलेज में जा रही हैं, आए दिन हमारी बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, आए दिन हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, आए दिन हमारी बेटियों की जो है वो इज्जत लूटकर उनको मारकर झाड़ियों में फेंका जा रहा है। शायद कोई भी माँ बहन ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटियों को लेकर चिंतित नहीं है। सारी माताओं को चिंता है कि आज हम बेटियों को जब कॉलेज में भेजते हैं और वो शाम को जब घर नहीं आती तो उनको एक ही चिंता सताती है कि पता नहीं वो शाम को सही सलामत घर आएगी या नहीं आएगी। अगर हम शिक्षा की बात करें तो 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने शिक्षा का इतना बड़ा नारा दिया था कि हम लड़कियों को, हरियाणा की लड़कियों को शिक्षित करेंगे, पर आज के दिन ना तो कोई नए कॉलेज खुले, ना जो स्कूल है हमारे उनकी अगर आप हालात देख लो तो वो इतनी जर्जर हालत में है कि किसी भी स्कूल को पुनः बनाने का काम हरियाणा सरकार ने नहीं किया। हमारे जो बच्चे हैं वो बरसात के दिनों में भी बाहर टाट पे बैठने पे मजबूर है, उनके लिए कोई ऐसी सुविधा हमारे स्कूलों में नहीं है। और ये जो मिड डे मील वर्कर्स जो आई हुई हैं, मैं उनसे कहूँगी कि मुझे आपका तो मालूम नहीं पर हरियाणा की सर्वे रिपोर्ट्स ये कहती है कि जितना भी बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में खाना बनता है वो सबसे जो गंदी गेहूँ, गली और सड़ी गेहूं जो हरियाणा में सप्लाई होती है उसका खाना हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है। अगर उस खाने को आप उस दलिये को देख लो तो उसमें इतने ज्यादा कीड़े होते हैं उस गेहूं में, वो गेहूं जो है वो हमारे बच्चों को मिड डे मील के थ्रू दी जाती है। अगर हम बात शिक्षा की और स्वास्थ्य की करें, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके हम देखें तो महिलाओं के लिए अलग से कोई ऐसा काउंटर और सुविधा नहीं है कि जहां महिलाएं जाएं और अपना इलाज करके समय से घर वापस आ जाएं। आज भी महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक वहीं थानों में खड़ी रहती हैं, वहीं हॉस्पिटल्स में खड़ी रहती हैं। तो सारी चीज़ों का निचोड़ जो है वो आपके पास आज के दिन एक ही है कि आपकी अपनी नई नई पार्टी बनी है जननायक जनता पार्टी। इसको बने हुए 3 महीने हुए और 3 महीनों के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में हरियाणा में पार्टी से इतने ज्यादा बड़े बड़े लोग
इतने कर्मठ कार्यकर्ता जुड़े कि जो दूसरी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी ले लो, चाहे वो कांग्रेस ले लो, तीसरी पार्टी के लिए मैं कहूंगी कि उनका दरवाजा तो मुझे लगता है हाल घड़ी तो बंद होता हुआ ही दिख रहा है। तो ये जो दो पार्टियां हैं इनके एवरेज अगर आप जननायक जनता पार्टी को उठाकर देखो तो हम लोग जो है आज के दिन इनसे एक पायदान ऊपर है, एक पायदान नीचे नहीं है। तो आपको जो है जितनी महिलाएं आई हुई हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जैसे एक बूथ और 10 यूथ हमारे युवाओं ने प्रोग्राम शुरू कर रखा है, उसकी तरह एक महिला जो है वो 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, संगठन को मजबूत करो, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो आपकी पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी जब मजबूत होगी तो 12 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन है, आपको जो भी कैंडिडेट दिया जाए उसको मेरी माता और बहनों से मैं कहूंगी कि मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं भारी संख्या में, उनसे मैं कहूंगी कि यहाँ से जो दिल्ली है वो सबसे पास है, उसको सांसद बनाकर आप लोग दिल्ली भेजने का काम करो। अभी मेरी एक माँ मेरे से मिली थी, वो कह रही थी कि यहाँ के गांव का पानी जो है वो बहुत ज्यादा कड़वा है, तो मैं उनसे कहूंगी कि ये पानी की समस्या जो है, महिलाओं की रोजगार, बच्चों के रोजगार की समस्या जो है, हमारे किसानों की समस्या है। आज के दिन किसानों ने सबसे ज्यादा धरना दिया है, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो फसल बीमा को लेकर हो। आज हमारा बीज भी निकली, हमारी खाद भी निकली, जो हमारे बेरोजगार बच्चे, हर घर में एक माँ के पास, मैं एक नहीं कहूंगी, मैं चार चार बच्चे जो वो एक एक घर में बेरोजगार घूम रहे। तो 2019 में जब आपकी जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपका अपना मुख्यमंत्री होगा, तो मैं सबसे पहले माता और बहनों से कहूंगी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका वकील मैं होंगी, आप लोगों के साथ मैं खड़ी आप लोगों को मिलूंगी। बहुत सारे आप लोगों के काम ऐसे हैं, मैंने आप लोगों को बहुत पास से जानते हैं इतने साल से, महिलाओं को, कि महिलाएं आती हैं पर्ची लेकर और बहुत देर तक बाहर खड़ी होकर बहुत सारी महिलाएं बिना मिले चली जाती हैं, उनके काम नहीं होते। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोगों के साथ आपका वकील बनकर मैं खड़ी होंगी, आप लोगों के काम मैं करवाऊंगी, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो आपके बच्चों के रोजगार का साधन हो, चाहे वो आपकी बिजली की समस्या हो, और बहुत सारे हमारे जो घरेलू काम है उनमें इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं जो हम माता और बहनों को आती है, वो सब करवाने का काम मैं करूंगी। अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि 22 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन, 12 मई को जो लोकसभा का इलेक्शन है, हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो चप्पल है। आप माता और बहनों को पता है हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चप्पल। तो आप इस चप्पल के निशान को चप्पे चप्पे पर पहुंचा दो, हर आदमी और माता और बहनों के बताने का काम करो कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो चप्पल है, 12 मई को इस चप्पल पर मोहर लगाने का काम करना। मैं आपसे वोट मांगने के लिए आई हूँ, मैं आपसे वोट की अपील करने आई हूँ, मैं आपसे आपकी राय और सहमति मांगने आई हूँ, मैं आपका सहयोग मांगने आई हूँ, मैं आपसे बहुत मन से ये कहने आई हूँ कि जो भी उम्मीदवार आप लोगों को मिले उसको जिताने का काम करना, और भारी संख्या में 12 मई को घर से निकलकर सुबह अच्छे गीत गाते हुए जाकर और चप्पल के निशान पर मोर लगाकर सांसद बनाने का काम करना, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो सांसद निधि कोटे से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये पानी का काम था, हम 6800 गांव में जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पे आरओ सिस्टम लगाएंगे, उनमें आप लोगों के गांव भी शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पानी के पीने की मुझे लगता है सबसे ज्यादा समस्या है पलवल हलके में। और मैं, मेरे जो किसान भाई बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पर, आपका अपना मुख्यमंत्री बनने पर, पहली कलम से किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम हम लोग करेंगे, आपका कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि आज के दिन हमारा जो किसान है वो सबसे ज्यादा, मैं कहूंगी कि कर्जायती हो रहा है, चाहे उसने कर्जा बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया हो, चाहे बेटियों की शादी के लिए लिया हो, चाहे उन्होंने अपनी फसल के लिए लिया हो,
चारों तरफ से हमारे किसान व्यापारी भाई जो है वो आज के दिन कर्जायती हो रहे हैं। तो पहली कलम से आपका कर्जा माफ करने का काम करेंगे और आपको ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री में देने का काम करेंगे। और जो दादाजी ने 100 रुपए पेंशन शुरू की थी उस पेंशन के लिए कहूंगी कि मौजूदा सरकार जो है वो आज के दिन आपको पेंशन 2000 रुपए दे रही है। 2019 में आपकी अपनी सरकार होगी, आपके चप्पल पे मोहर लगाने से आपकी सरकार आएगी, आपके ज्यादा से ज्यादा वोट जोड़ने से आपकी सरकार आएगी। तो आपकी जननायक जेजेपी की सरकार आने पर, आपका अपना मुख्यमंत्री बनने पर, ये जो 2000 रुपए पेंशन के हैं वो 3000 रुपए करने का काम करेंगे ये पेंशन जो है। और महिलाओं से कहूंगी कि आपकी उम्र जो है वो 55 वर्ष करने का काम करेंगे और पुरुषों की उम्र जो है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और ये पेंशन जो है वो आपको लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको पेंशन देने के लिए आपके घर अधिकारी आया करेंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और जो हमारे कर्मचारी है, जो पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो हमारी बंद कर दी गई है कर्मचारियों के, जेजेपी सरकार आने पर पुनः पेंशन स्कीम लागू की जाएगी ताकि ये पेंशन जो है वो कर्मचारियों को पुनः मिल सके। और मैं गांव के लिए कहूंगी कि गांव के जो सरकारी स्कूल है उनको हम लोग अपग्रेड करेंगे, जो 8वीं का स्कूल है उसको 10वीं का करने का काम करेंगे, और जो 10वीं का स्कूल है उसको 12वीं का करने का काम करेंगे। और जो हमारी बेटियां हैं उनकी शिक्षा जो है वो बिल्कुल फ्री करने का काम करेंगे ताकि हमारी बेटियां पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियां शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि जब मैं केरला को देखती हूँ ना, तो केरला में हर नारी जो है वो शिक्षित है, तो हम लोग भी शिक्षित हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा करने का काम करेंगे।